गाइस आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल की स्मैकडाउन यानी कि मनी इन द बैंक से पहले की आखिरी स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप। वैसे आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम फ्राइडे और स्मैकडाउन के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा लगभग 1600 लाइक का। तो गाइस कल हम लोगों को देखने को मिलने वाली है 1 जुलाई की फ्राइडे स्मैकडाउन। इस बार की स्मैकडाउन दोस्तों थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, जिसके अंदर दोस्तों हमें बहुत सारे सुपरस्टार्सों की रॉ के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चूंकि दोस्तों ये मनी द बैंक से पहले की आखिरी स्मैकडाउन है, यहां दोस्तों हमें बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है। सबसे पहली चीज जो कि हमें कल की फ्राइडे स्मैकडाउन में 100% देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों वाइकिंग रेडर्स वर्सेस द न्यू डे। वाइकिंग रेडर्स ने दोस्तों लास्ट वीक हील टर्न कर दिया, जहां दोस्तों अपने हील टर्न के ऊपर उन्होंने निशाना बनाया हमारे अपने द न्यू डे वालों को। ऐसे में दोस्तों हाई चांसेस है कि कल की फ्राइडे स्मैकडाउन में हमें इनका टैग टीम मैच देखने को मिले। जहां इस बात करूं मैच की, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट कि उसके अंदर दोस्तों वाइकिंग रेडर्स जो कि हाल ही में हील टर्न लिए वही विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल सकती है वो है दोस्तों हमारे शंकी एंड जिंदर महल का ब्रेकअप। तो गाइस बात करूं इन दोनों की, ये दोनों दोस्तों काफी समय से एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। जहां शंकी का मानना है कि नाचना गाना ही जिंदगी है, वहां जिंदर का मानना ये रहता है कि नाचने से कुछ नहीं होता, रेसल करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों वो सीरियस रहते हैं, लेकिन शंकी दोस्तों बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते। कल दोस्तों इनका ब्रेकअप हो सकता है, और गाइस मनी इन द बैंक से पहले ब्रेकअप होता है तो एक बढ़िया रेटिंग ये ला सकता है। चलते हैं इससे अगले सेगमेंट के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो रहेगा दोस्तों हमारे अपने शेना एंजाइली का मैच, जो कि लेसी एंड रैकल को फेस कर सकती है। लास्ट वीक दोस्तों जब हमारी अपनी सोनिया फेस की थी लेसी एंड रैकल को हैंडीकैप मैच में, तो बाहर से दोनों परेशान कर रही थी, और कल हम लोगों को इन सभी का एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल सकती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो है गाइस हमारी रोंडा एंड नटालिया की भिड़ंत। तो गाइस इस वीक रोंडा राउजी अटैक करते हुए नजर आ सकती है नटालिया के ऊपर। लास्ट वीक दोस्तों नटालिया काफी लो गई थी, वो दोस्तों रोंडा के जैसे दोस्तों वहां बनकर आ रखी थी, और रोंडा को दोस्तों काफी ज्यादा उन्होंने परेशान भी किया था। इस हफ्ते दोस्तों हो सकता है ये कि हम लोगों को देखने मिले रोंडा की तरफ से तगड़े वाला अटैक जो कि नटालिया के ऊपर आए। जहां दोस्तों मनी इन द बैंक से पहले आखिरी स्मैकडाउन है, यहां दोस्तों अटैक लाजमी अब देखना होगा ये किसकी तरफ से आता है। बात कर लीजिए दोस्तों अब अपने समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइस समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे स्मैकडाउन का रह सकता है वो है गाइस हमारे अपने रॉ के सुपरस्टार्स का स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स के साथ एक 6-मैन टैग टीम मैच। तो गाइस रॉ से जो मनी इन द बैंक के क्वालिफायर्स में जीते हुए सुपरस्टार्स है वो स्मैकडाउन के जो क्वालिफायर्स में जीते हुए सुपरस्टार्स है उन्हें फेस कर सकते हैं। जहां गाइस बात करूं इस 6-मैन टैग टीम मैच की, तो यहां दोस्तों जो हमारे अपने ओमास, जो हमारे सेथ रॉलिंस एंड जो हमारे अपने मंडे नाइट रॉ के रिडल है वो फेस कर सकते हैं ड्रू शेमस एंड दोस्तों हमारे अपने सेमी ज़ेन की जोड़ी को। ये मैच दोस्तों काफी और तो लग रहा है, दोस्तों काफी देखने में अजीब गरीब तो लग रहा है, लेकिन इसके होने के काफी हाई चांसेस है। चूंकि एक स्पॉट खाली है तो ये चीज भी पता चलेगी कि इस आखिरी स्पॉट को कौन भर सकता है। वेल बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है कल की फ्राइडे स्मैकडाउन का वो रहेगा दोस्तों ब्रॉक लेसनर का रोमन के ऊपर हमला। तो गाइस इस चीज के होने के 50-50 चांसेस बताए जा रहे हैं कि कल रोमन या फिर ब्रॉक में से कोई एक आएगा। हाई चांसेस है कि दोनों ही ना आए, या फिर हो सकता है कि ट्राइबल चीफ आ जाए। लेसनर के दोस्तों बहुत कम ही चांसेस है, लेकिन हाँ अगर ये दोनों आते हैं तो हो सकता है वहां लेसनर अटैक कर दे रोमन रेंस के ऊपर। चूंकि दोस्तों अब इनकी राइवलरी डब्ल्यू वालों ने ढंग से नहीं भुनाई है, तो हमें इनका सेगमेंट कल दिखाया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या वहां हमारे द उसोज ही रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड लाइन को, या फिर रोमन रेंस भी आते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक की यानी कि आज की हमारी खबरों की। और सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों हमारे अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो गाइस सेथ रॉलिंस को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि सेथ रॉलिंस दोस्तों बीते कल अपनी सालगिरह मनाए हैं शादी की, और बेकी लिंच ने बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें डाली। एक साल पहले दोस्तों उनकी शादी हुई थी और उनके एक बेटी भी है। आपको बताना चाहूंगा कि गाइस सेथ की जो कुंडली है वो कहीं ना कहीं कोड़ी के साथ जुड़ी है, क्योंकि कल ही दोस्तों कोड़ी का जन्मदिन भी था, जहां दोस्तों कोड़ी को बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन डब्ल्यू वालों ने ऑफिशियली आकर दोस्तों ट्विटर पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो एक तरफ दोस्तों एक बंदे की सालगिरह और दूसरे की दोस्तों बर्थडे है। यहां दोस्तों कहना चाहूंगा इनका दोस्तों 7वें जन्म में लड़ाई होने वाला है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर।
और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक न्यू कस्टम बेल्ट से। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने दोस्तों एक न्यू कस्टम बेल्ट निकाली है जो कि जॉन सीना के लिए निकाली है, जॉन सीना के फैंस के लिए निकाली है। तो जॉन सीना की दोस्तों जो एक कस्टम टाइटल चैंपियनशिप बेल्ट है दोस्तों एक तरीके की रेप्लिका है और बताया जा रहा है जुलाई में दोस्तों बिक्री पर होगी और केवल 500 ही बेची जाएगी। द बम्प नामक शो में दोस्तों इसका अनावरण हुआ है और एक तरीके की दोस्तों स्पिनर चैंपियनशिप बेल्ट है। अगर आप इसे खरीदना चाहते तो आप खरीद सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग ट्विटर पर कह रहे हैं कि ये काफी अगली बेल्ट है लेकिन मुझे तो काफी ठीक लगी है। आपका क्या मानना है दोस्तों जॉन सीना की इस रेप्लिका चैंपियनशिप बेल्ट के ऊपर, कमेंट डाउन बिलो। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी है दोस्तों हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। गाइस जॉन सीना की बात करूं तो गाइस जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का धन्यवाद किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर के द्वारा। वो ये चीज लिखे हैं कि वो काफी ओवरवेल्म्ड है सारे मैसेजेस एंड जितनी भी शुभकामनाएं उन्हें मिली और जैसा रिएक्शन डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स ने उन्हें दिया वो ये चीज लिखे हैं कि वो हर एक चांस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू का शुक्रगुजार रहते हैं और जब तक वो जिंदा है वो डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना होम ही मानते आएंगे। यहाँ दोस्तों जो जॉन सीना उन्होंने साफ कर दिया वो काफी ज्यादा खुश अपने रिटर्न को लेकर, लेकिन सवाल उठता है ये क्या जॉन सीना का रिटर्न परमानेंट है या फिर दोस्तों पार्ट टाइम। तो गाइस बताया जा रहा है कि मे बी ये पार्ट टाइम ही था और सीना शायद से ही समर स्लैम का पार्ट होंगे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि जो सेवंथ स्पॉट है ये सीना ही भरे। हाल में डब्ल्यू वालों ने पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जहां उन्होंने दोस्तों ये चीज पूछी थी कि आखिरी स्पॉट किसे भरना चाहिए और इस पर दोस्तों ज्यादातर लोगों ने सीना कमेंट किया है। अब गाइस बात करूं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की, तो जॉन सीना दोस्तों अगर मनी द बैंक का पार्ट होते हैं तो वो सोने पर सुहागा होगा, लेकिन क्या वो वाकई में जॉन सीना होंगे ये उससे भी बड़ा सवाल है। होप करते हैं दोस्तों वो सीना ही हो। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली के नेक्स्ट ओपोनेंट से। तो जॉन मॉक्सली दोस्तों कल ब्लड एंड गट्स में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और गाइस बात करूं मॉक्सली की तो मॉक्सली दोस्तों हमारे ब्रांड न्यू इंटरम AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और उनका नेक्स्ट ओपोनेंट रिवील हो चुका है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया है मॉक्सली से जुड़ी हर एक अपडेट दूंगा। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा हाल ही में रैम्पेज में एक बैटल रॉयल हुई है और उसमें दोस्तों एंड में ब्रोडी किंग एंड दोस्तों डार्बी बचे हुए थे और उसमें ब्रोडी किंग ने बाहर कर दिया है मॉक्सली को। ब्रोडी किंग दोस्तों एक तरीके का चेला है अलेस्टर ब्लैक का और गाइस वो फेस करेगा अपकमिंग शोज में हमारे मॉक्सली को। अब देखना होगा ये मॉक्सली ब्रोडी किंग का सामना कैसे करते हैं। हालांकि जॉन मॉक्सली बात करूं जॉन मॉक्सली का दोस्तों टाइटल रेन काफी स्मूथ चला हुआ है। चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। वैसे सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर के फैंस कहते हैं ब्रॉक लेसनर बेस्ट फॉर बिजनेस, ब्रॉक लेसनर रेटिंग लाते हैं और ब्रॉक लेसनर टिकट टिक पाते हैं। कभी कभी लगता है कि दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर के फैन जो है बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि वो साले सच बताते हैं। तो लेसनर ने दोस्तों वाकई में टिकट्स में बिक्री दिलाई है डब्ल्यू वालों को और जो एक खबर ब्रोक की दोस्तों काफी शॉक हुआ हूं मैं। हाल ही में दोस्तों जो होने वाली मंडे नाइट ड्रॉ थी उसके अंदर दोस्तों ब्रॉक लेसनर जो थे एडवर्टाइज नहीं थे। ये दोस्तों 11 जुलाई की मंडे नाइट ड्रॉ थी, लेकिन मैंने आपको अपनी बीती वीडियो में बताया कि लेसनर उस रॉ के लिए भी कंफर्म हो चुके हैं और जैसी दोस्तों एक खबर ब्रोक हुई जैसी जनता को पता चला धड़ल्ले से दोस्तों टिकटें बिकी है और एक स्टैट मैं आपके सामने रख रहा हूं आप यहां पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसल्टिक्स मंडे नाइट रॉ जो कि सैन एंटोनियो AT&T स्टेडियम में होने वाली थी 11 जुलाई को, जैसे ही पता चला लोगों की लेसनर उसका पार्ट होने वाले हैं 7,221 टिकट्स में से 6,398 टिकट्स बिक गई है। तो यहाँ दोस्तों लगभग 98% टिकट्स जो है वो बिक चुकी है और बताया जा रहा है सिर्फ 823 टिकट बाकी है। पता चलता है लेसनर का कितना ज़्यादा क्रेज है, कितना ज़्यादा दोस्तों उन्हें WWE यूनिवर्स प्रेम करती है और कितना ज़्यादा दोस्तों उन्हें देखना पसंद करती है। तो 11 जुलाई को रॉ के अंदर आएंगे, अभी के अभी दोस्तों अपनी डायरी पर लिख लीजिएगा। बात कर लेते हैं अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है रोमन रेंस के ब्रांड न्यू ओपोनेंट से। तो गाइस रोमन रेंस का पीस हर कोई चाहता है। रोमन रेंस एक ऐसा बंदा है जिसके पास इस वक्त WWE की दो मेन चैंपियनशिप बेल्ट्स है और वो उन दोनों का स्वामी है। रोमन रेंस हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है और गाइस हाल ही में लोगन पॉल ने WWE को साइन करने के साथ साथ रोमन रेंस के ऊपर भी शॉट लिए। ये शॉट दोस्तों इनडायरेक्ट था। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा लोगन पॉल को स्टेफनी मैकमैन ट्रिपल एच ने साइन कर लिया। ट्रिपल एच ने चीज बताई है कि ये जो बंदा है ये जहां कहीं भी गया इसने सक्सेस प्राप्त किया। अब देखना होगा ये कि WWE के अंदर इसका आगे का करियर कैसा रहता है। लोगन पॉल ने दोस्तों ये चीज साफ की कि वो समर स्लैम में किसे फेस करेंगे, तस्वीर डालते हुए चीज लिखी कमिंग
फॉर यू द मिस, यहाँ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि वो लिखे हैं द मिस के ऊपर शॉर्टली है। और गाइस बात की जाए समर स्लैम में फाइट की, तो हाँ आई एम प्रीटी मच श्योर वहां लोगन पॉल वर्सेस द मिस ही होगा। यहाँ दोस्तों मेन चीज ये है कि लोगन पॉल ने एक दूसरी पोस्ट में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिया है। ये तस्वीर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ रोमन रेंस की दोस्तों तस्वीर को अंकित करते हुए जो हमारे अपने लोगन पॉल है साफ दर्शा रहे हैं कि उन्हें अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बेल्ट चाहिए। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उन्होंने शॉट लिया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के ऊपर। हर कोई पीछे आता है रोमन रेंस का, क्या लोगन पॉल उनका तख्ता पलट करेंगे? अब WWE में भी आ चुके हैं, आपका क्या मानना है? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।